अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। गुड मॉर्निंग। और मैं सैरी के लिए उठी हूँ, अभी मैं फ्रेश होती हूँ, फिर सैरी करती हूँ और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या आज हम सारा दिन क्या करते हैं। तो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। Subscribe to my channel. अब मैं जाती हूँ सैरी लेके आती हूँ, फिर हम सैरी करते हैं एंड देन देखते हैं कि फिर सारा दिन हम क्या करते हैं। गाइस, हम खाना लेने जा रहे हैं, अपने सैरी लेने जा रहे हैं हम। और मैं सॉरी, मैं सारी रोक कोई नहीं लाते हैं। ये इसके टोकन किधर है? एक का ले जा रहे हैं। हमें खाना मिल चुका है और देख सकते हैं क्या भी मिल चुका है हमारे साथ। हाँ, मैं चाय लेने जा रही हूँ, चाय लेके आते हैं फिर आपसे बात करती हूँ। अंकल तो मैं यहाँ पे चाय लेने आ गई हूँ, अब चाय लेते हैं फिर सारी करेंगे और फिर सुबह आपसे मिलेंगे। बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक अगेन जी। सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, उठी क्या, मैं तो सोई नहीं, मैं सारी करके आज नहीं सोई थी इसलिए मैं आज फ्रेश हूँ, कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्योंकि रात को भी मैं असाइनमेंट बनाती रही थी, 12 बजे सोई थी तकरीबन, और फिर मैं 3-4 बजे फिर उठी और बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है लेकिन मैं सोई नहीं थी। एक दफ़ा बंदा सैरी करके सो जाए ना फिर उठा नहीं जाता, लेट क्लास हो तो भी बंदा उठ जाता है। ये 8 बजे क्लास जो होती है ना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, वो आती है जल्दी से तो फिर जाते हैं। क्लास है आज हमारी पेंटिंग की और अभी जाना भी है शॉप पे, कैनवस लेना है वहाँ से, फिर जाएंगे क्लास में। और मैं बहुत ज़्यादा दिन इनएक्टिव रही हूँ, मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ बंद हो गई थी और मैंने बहुत मुश्किल से दिन गुजारे हैं, बहुत मुश्किल से। अब जाके कुछ बेहतर हुआ है तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना लेते हैं। अब जाऊंगी क्लास में फिर आपको दिखाऊंगी कि आज हम क्या करते हैं। अपने डिपार्टमेंट आ चुकी हूँ और मैम ने बोला है कि 1 घंटा क्लास लेट होगी, तो अब हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं। मैम आएंगी तो हम स्टार्ट करेंगे अपना। आज हमने इन पे अपना वर्क करना है, सबसे पहले इसके ऊपर जैसा अप्लाई करेंगे। अब हम इस पे इमल्शन अप्लाई करने लगे हैं, उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। इस बच्चे को रोजा लग गया, बेचारा उदास बैठा है। बहुत सख्त रोजा लग गया इसको और ये बेचारा जो है ना कंगाल हो गया है। ऐसे कितनी मेहनत है ना, कितनी मेहनत से बनाया हुआ। अच्छा, वैसे हाथ में मिट्टी लेके दुआ मांगते हैं ना तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है, ये बिल्कुल प्योर तरीका है दुआ मांगने का।
गाइज मेरे से एक लड़की पूछ रही थी कि ना फर्स्ट फ्लोर ऊपर है वुमेन कहती है ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर ऊपर है। मैंने कहा जी हाँ जी, मतलब जाहिर सी बात है ऊपर ही होना है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के नीचे थोड़ी होना है। कैसी कैसी मखलूक पाई जाती है, फाइन आर्ट्स में आके बंदा पागल हो जाता है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ जैसे हम हुए मेरे। अब हम इसकी ड्राइंग कर रहे हैं। मैम ने कहा है कि आपने आंख बनानी है ये वाली। अभी हम इसकी ड्राइंग कर रहे हैं। मैंने बहुत गंदा बनाया, लुक नहीं आ रही आपके। पहली दफा ही बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा जो हमने गंद फैलाया हुआ है, इतने कलर्स हमने ज़ाया कर दिए हैं और अभी तक हमारी ये लुक आई है। ये मंतहा का ये मेरा अभी जाता है, पहले लुक क्यों नहीं आ रही, नंगी आंख लग रही है। मुश्किल काम है। हमारी सबसे बुरी है, बाकी सबकी इतनी अच्छी बनी है। क्या करूं इसका, कुछ लुक आ रही है हमारी आँख की, वरना तो फील ही नहीं हो रहा था कि ये आँख है। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको फील हो रहा है कि ये आँख है या कुछ और ही फील हो रहा है। सबसे मुश्किल काम होता है आईब्रो बनाना, पता नहीं इसकी फाइनल लुक क्या आएगी। याल्ला अच्छे बन जाए बस। और आपको पता है कि अगर ये 10 मार्क्स का होना, इतनी मेहनत करने के बाद हमें 3-4 नंबर मिलते हैं बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिले। क्या कर सकते हैं हम। देखा हुआ था जान पूछ के बोलेंगे।
गई है, फाइनल टच रहता है थोड़ा सा। और ये है परी दोस्त ने बनाई है, हम दोनों ने मिलकर बनाई है। आप बताएं कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है, ये मेरी ये उसकी। लेकिन अच्छा ही आ गया इसका फाइनल टच, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हमसे बनेगा पहली दफ़ा आप बनाए।